उत्तर प्रदेश के हाथरस की गैंगरेप पीड़िता मनीषा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हमीरपुर और सुंदरनगर में कैंडल मार्च निकाला गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आधी रात मनीषा वाल्मीकि को ही नहीं जलाया अपितु मानवता की हत्या की है। यह बात समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश के प्रभारी तथा दलित समाज सेवी संगठनों के चेयरमैन ओंकार भाटिया ने गांधी चौक में मनीषा को इंसाफ के लिए निकाले कैंडल मार्च के दौरान कही। उधर सुंदरनगर की बीबीएमबी कॉलोनी के लोगों ने बीते दिनों हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ हुए दुराचार के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। कॉलोनी के लोगों ने यूपी सरकार और न्याय व्यवस्था से इंसाफ की मांग की है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए हमीरपुर से रविंद्र चंदेल के साथ हैप्पी जामरा व सुंदरनगर से देवेंद्र गुप्ता।